आप देख रहे हैं कि इसका जड़ को हमने पत्थर के चारों साइड लपेट दिया है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि जेट प्लांट का बोनसाई कैसे बनाएंगे, और इसका हमने एक स्टाइल बनाएंगे, रूट और रॉक स्टाइल कैसे बनाएं। ये आज हम जेट प्लांट का बहुत फास्ट ग्रोथ है दोस्तों, इसका बोनसाई बहुत ही फास्ट तरीके से बनाया जा सकता है। इसको हमने लगभग 4-5 महीने से इस बकेट में लगा रखा है। तो सबसे पहला पार्ट होता है कि इसका रूट को हम डेवलप पहले करें। तो बोनसाई का पहला स्टेज होता है कि रूट को पहले बढ़ने दिया जाए, उसके बाद हम ब्रांच पे ध्यान देंगे। तो हमने इसका रूट डेवलप किए हैं दोस्तों इस बकेट में। अब इसको ओपन करेंगे और एक पॉट में हम लगाएंगे और इसको रूट और रॉक बोनसाई बनाने का कोशिश करेंगे। तो मिट्टी निकालते टाइम आप ध्यान देंगे कि अगर हार्ड मिट्टी अगर हो गया हो तो रूट टूटने का चांस ज़्यादा होता है। तो अच्छा हो कि इसको पानी में हम साफ कर लें, जिससे ये रूट इसका नुकसान ना हो। तो इसका रूट को हम पानी से साफ किए हैं। उतना तो रूट और रॉक बोनसाई बनाने के लिए डेवलप तो नहीं हो पाया है, लेकिन तो पर भी हम कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हम सबसे पहले इसको फंगिसाइड के पानी में हम डुबाएंगे, जिससे ये रूट बिल्कुल ख़राब ना हो। ये फंगिसाइड का पानी है। तो फ्रेंड्स, इसको हम पत्थर में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसके रूट को। जेट बोनसाई बनाते टाइम रूट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी बोनसाई में हम रूट मेन रूट को काटते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता, फास्ट ग्रोथ कर लेता है और जैसा आप आकृति देना चाहें वैसा ये शेप ले लेता है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसका रूट को कैसा पोजीशन दें, कैसा बनाएं मनचाहा इसका। आप देख रहे हैं कि इसका जड़ को हमने पत्थर के चारों साइड लपेट दिया है। कोशिश किए हैं इसको चारों साइड हंसाने का। एक पत्थर है दोस्तों रोड के किनारे, डामर में चिपका हुआ ये एक गिट्टी का टुकड़ा है पूरा। तो इसको हमने उठा के लाया था। अब इसको हमने पूरा फंसा के धागे से पूरी तरह से बांध दिया है। अब इसके बाद हम एक छोटे से पॉट में इसको लगाएंगे। पत्थर को हमने इसमें रख दिया है छोटे से बकेट में। अब इसके बाद हम पर्याप्त मात्रा में इसमें मिट्टी डालेंगे। जेट प्लांट का सॉइल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुका है दोस्तों, जेट प्लांट का हम सॉइल कैसे बनाते हैं। जेट प्लांट में ऑलरेडी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए इसको। तो कोकोपीट और राइस हस्क बिल्कुल भी सॉइल में मिक्स मत कीजिएगा। इसमें सॉइल में हम एक भाग मिट्टी रखा है, उतनी ही मात्रा में रेत रखा है, रेत नदी का रेत और वर्मी कंपोस्ट और नारियल इसके ईंट के छोटे छोटे टुकड़े बस हैं और कुछ नहीं है। इसमें फंगिसाइड डला है और नीम के पाउडर बस दोस्तों, इतनी ही चीज़ है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है मिट्टी बनाने में। इसके बाद दोस्तों, हम एक प्लास्टिक का बॉटल था उसको काट के हमने यहाँ पे रखा है छोटा सा टुकड़ा, ताकि मिट्टी हम यहाँ तक और भर लें, क्योंकि अभी रूट को पूरा डेवलप होने हम दे रहे हैं। और इसमें हम पर्याप्त मात्रा में पानी डाल चुके हैं और 15 दिन लगभग इसको ज़्यादा दम तेज धूप में हम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे दोस्तों। इस वाले प्लांट को थोड़ा सा ट्रिम करने की ज़रूरत है, ट्रिम करने का भी हम बता दे रहे हैं। ट्रिम करना बहुत ही आसान होता है, जो भाग थोड़ा सा बड़ा हो चुका है उसको हम काटते चलेंगे, जिससे ये और घना हो जाएगा।
इसका रूट और रॉक स्टाइल बनाने का तरीका आप जरूर यूज कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।